कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन आम हुआ है तब से ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में और अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो उसी चीज़ को देख के एक मेगा इवेंट होता है 11/11 के नाम से, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स है। सबसे पहले जो पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाया था वो दराज वालों ने करवाया था, Daraz.pk ने। तो दराज को देखते क्योंकि उनकी जो प्रमोशन थी वो इतनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा वायरल हुई, तो उनको देख के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही मशहूर ब्रांड्स हैं, अर्बन सोल है, पीरे गार्डन है, खाड़ी है, गुल अहमद वगैरह और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो भी अब सेल लगाते हैं 11/11 की। तो पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आया ये वाकई इतनी अच्छी सेल होती है कि इसमें जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूएसए वगैरह में देखते हैं, वहाँ ब्लैक फ्राइडे होता है 27 नवंबर को, या उसके अलावा थैंक्स गिविंग डे के नाम से इनके वो होते हैं, क्रिसमस के इनके प्रमोशंस होते हैं, उसमें सेल वगैरह होती है, चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो ये भी उसी तरह की चीज़ है या फिर ये एक तरह का स्कैम है? तो हम पिछले कुछ सालों की वो देखते हैं तो उसमें ये नज़र आता है कि जैसे Daraz.pk हो गया, वो बेसिकली वो प्रमोशंस तो बहुत ज़्यादा करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और उसके अलावा वो गूगल के थ्रू भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और उसके अलावा होर्डिंग्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ों से वो मार्केट करते हैं, कंपेन चलाते हैं कि 11/11 की सेल। लेकिन दोस्तों, सेल उस तरह का फ़ायदा इसमें होता नहीं है। अमूमन होता यह है कि वो बहुत ही कैची किस्म के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि आपको इतने लाख का, इतने करोड़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स पर आपको ऑफ मिल रहा है। तो इसमें ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं ये गिमिक करते हैं। दो तरह की सेल्स होती हैं इनकी। एक सेल वो होती है कि भाई आपकी अगर कोई चीज़ मिसाल करें 1000 रुपये की है तो ये क्या करेंगे, उसकी एकदम से उसकी प्राइस को 1500 रुपये करके और फिर उस पर 20% 30% ऑफ लगा के उसको, उसी चीज़ को ही जो 1000 रुपये की चीज़ है उसकी उसको 1000 रुपये की या 950 की, 1100 की, उतने की बेचेंगे। तो लोग क्या समझते हैं कि यार ये 1500 रुपये की चीज़ है, इसमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो चीज़ें ले लें। एक तो ये चीज़ होता है कि गेमिंग करते हैं कस्टमर्स को। आप वॉइस ऑफ कस्टमर्स में देख लें, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे होते हैं इस चीज़ की कि ये चीज़ आज से एक हफ़्ता पहले इस प्राइस पे थी, इसकी प्राइस एकदम से बढ़ा दी इन्होंने और फिर इसको सेल का नाम दे के फिर इसको कम कर दिया। अच्छा, एक तो ये चीज़ होती है, फिर दूसरी बहुत सारे ब्रांड्स जो बाटा हो गया, सर्विस हो गया, या अपैरल या ब्रांड्स ले लें, वो लगा रहे तो होते हैं सेल, लेकिन वो लगाते हैं सेल डेड स्टॉक के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जिनके साइजेस ख़त्म हो गए। जैसे एक पूरा SKU है, एक पूरा आर्टिकल है, उसके उसके अंदर स्मॉल, मीडियम, एक्सेल वगैरह सारे साइजेस हैं। तो जो एक डेड स्टॉक होता है स्मॉल साइजेस का, वो बिक ही नहीं रहा, वो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो वो उसके ऊपर सेल लगा देते हैं 50% 30% और उसको फिर मार्केट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या और तरीक़ों से मार्केट कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर, अब होता ये है कि जब कस्टमर एक दफ़ा वेबसाइट पे आ गया या उनके स्टोर पे चला गया कि यार सेल लगी है, चल के देखें तो क्या चीज़ मिल रही है सेल पे, तो वो ये होता है कि वो देखने तो एक चीज़ जाता है लेकिन फिर वो दूसरी चीज़ भी उसको समझ में आ जाती है, कोई और चीज़ पसंद आ जाती है जो सेल में ना हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद आ गई, आप सोचते हो कि यार मैं ख़रीद लूँ ये चीज़। अमूमन जैसे आप सुपर स्टोर वगैरह में जाते हैं तो आप एक चीज़ लेने जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ जाके आप बहुत ही खूबसूरत जो पैकिंग होती है या उनकी शेल्फ की जो सेटिंग होती है वो देख के, आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रॉसरी भी ले रहे हैं तो कुछ अननेसेसरी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है आप वो भी साथ में लेकर आ रहे होते हैं। तो ये उसी तरह की चीज़ है, ये जस्ट गिमिक है, इसमें कोई वो नहीं है कि रियलिटी कि ये लोग एक्चुअल में वही चीज़ दे रहे हों उतना ही। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये होता है, वहाँ ऑफ लगती हैं चीज़ों पे। वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे ब्रांड हैं ऐसे जो जो डेफिनेटली सेल, जो सेल आइटम होते हैं वो अच्छी सेल होती है उनकी, उन पे बहुत अच्छे आइटम आपको मिल रहे होते हैं।
तो सब ऐसे नहीं है, लेकिन इन बाय एंड लार्ज आप देखें तो यही प्रॉब्लम है कि यार ये जस्ट गिमिक है, इनमें कोई रियलिटी नहीं है इनकी जो 11-11 की से। शुक्रिया।